हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने दो डिस्टिंग्विश पढ़ लिया है डिस्टिंक्शन। आज हम लोग तीसरे डिस्टिंक्शन के ऊपर बात करेंगे। बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, आराम आराम से समझेंगे चीजों को। चलिए, आज का जो डिस्टिंक्शन है बेटा वो किसका है, एसिटामाइड और यूरिया का है। किसका है? एसिटामाइड यूरिया, इनको डिस्टिंग्विश करने की बात आज चलेगी। तो सबसे पहले सर यहाँ पर बताओ कि एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है। पहला डिस्टिंक्शन तो यहीं से कर लेंगे। तो एसिटामाइड का फॉर्मूला CH3CO NH2 होता है। क्या होता है? CH3CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, या इसी को शॉर्ट में N2H4CO भी लिखते हैं। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर इनके हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर का मतलब कैसा महकता है, तो ये मौसी महकता है। और इसका वैसे यूरिया का कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होता है। अगर यूरिया है तो कैसा महकता ये नहीं बता सकते, ऑर्डरलेस होता है। लेकिन इसका मौसी हल्का फुल्का चूहे के जैसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 82 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा डिस्टिंक्शन, अगर हमारे पास एसिटामाइड है, इस पे हम HNO2 का रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनता है, साथ में वाटर बनता है। लेकिन अगर यही काम हम यूरिया के ऊपर नाइट्रस एसिड डालेंगे, पहले ध्यान समझना, यहां पर HNO2 है, यहां पर HNO3 है। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं, जबकि HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये पहले नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड समझ लो। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। तो जब हम लोग नाइट्रस एसिड डालेंगे तो एसिटिक एसिड वाटर बनेगा। अगर यही काम यूरिया पे करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर बनेगा। इसको ध्यान देना है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो इसके कंपेयर में ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है। आगे देखो, जब हम लोग नाइट्रिक एसिड लेंगे तो यहां पर हमारा एसिटामाइड जनरली रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यूरिया की बात करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा यूरिया नाइट्रेट, या फिर इसी को यूरिया नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। एडिशन कंपाउंड बना लेगा। देखो N2H4CO साथ में डॉट लगा के मैंने HNO3 लिख दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है हाइड्रोलिसिस। अगर हम एसिटामाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे भाई साहब, तो वहां पर क्या होता है कि हमको एसिटिक एसिड मिलेगा, साथ में अमोनिया गैस मिलेगा। अमोनिया गैस मिलेगा तो अच्छी बात है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ली चैटरली ने भी यही बोला था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यूरिया है N2H4CO, अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस। सबसे मस्त बात, दो दो गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे, तो रिएक्शन और फास्ट आगे की तरफ जाएगी। आगे चलते हैं। सातवां है हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं, इससे भी डिस्टिंग्विश करते हैं। इसमें बेसिकली रिएजेंट क्या लेते हैं, तो यहाँ पर NaOH या फिर KOH लेते हैं, किसके साथ में, Br2 के साथ में। और इस रिएक्शन के दौरान 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग एसिटामाइड लेंगे, Br2NaOH लेंगे, तो मिथाइल एमीन बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में वाटर निकलेगा, तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। फिशी स्मेल होता है एमीन का, जस्ट लाइक अमोनिया। आगे चलते हैं। अगर हम यही काम यूरिया के ऊपर करेंगे, Br2NaOH डालेंगे, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। बेटा एक बार मैं चेक कर लूँ ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है, एकदम अच्छे से सब सही चल रहा है। क्लियर? आगे देखो, अगर हमारे पास नेक्स्ट डिस्टिंग्विश हम लोग समझे, यहाँ पर बाई यूरेट टेस्ट है। बाई यूरेट टेस्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट लेंगे, तो यहाँ पर ये जनरली हमारा जो एसिटामाइड है किसी भी टाइप का रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन अगर हम एसिटामाइड के बाद अगर बात करें तो हमारा जो यूरिया होता है ये पर्पल कलर देता है। क्या करता है? पर्पल कलर यहाँ पे देता है, किसके साथ में, बाई यूरेट के साथ में, जहां पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड HCHO। हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो एसिटामाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा जनरली। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्म रेजिन विच इज यूज एज अ प्लास्टिक, लेकिन अगर हमारा यूरिया है तो वो क्या करेगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एक हमारा क्या होता है, बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, जिसको रेजिन कहते हैं। ये एक टाइप का नॉर्मल भाषा में बोले तो प्लास्टिक होता है। यूरिया के साथ जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तब बनता है। और मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर वैकेलाइट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्विच यानी बटन वगैरह बनाने में यूज करते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से देखो आज हम लोगों ने तीसरा डिस्टिंग्विश कंप्लीट कर लिया, डिस्टिंक्शन ऑफ एसिटामाइड एंड यूरिया, और मैंने एक एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसको नोट करो, अपने नोट्स में ऐड करो और चौथे लेक्चर के लिए इंतजार करो, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे चीजें सब डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।